ऑफ रोडिंग था वगैरह मारना मांगते थे क्योंकि ट्रैक पे से पब्लिक बहुत जन फिसल रही थी, मैं तो गिर गया। ये तो गिर गया भाई। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ऋषि ऑन रिकॉर्ड ब्लॉग। सो गाइज, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद एक ब्लॉग बन रहा है, वैसे तो बहुत बिजी था, फिर कभी तो बात करेंगे। तो गाइज़ आज सब लोग घेरा पे, राम है मेरे साथ, मेरा भाई है आगे एक्सपल्स पे, और मैं और मेरे पीछे आदित्य बैठा है। तो आज घेरा पे ऐसे लग रहा है कि इधर राइड पे जा रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग जाने वाले हैं थाना वेस्ट रेमंड ग्राउंड, जहाँ पे हुआ था आरसी कप, वहीं पे आज होने वाला है हीरो राइड फेस्ट। सुबह सुबह 8:30 बजे भी ट्रैफिक देखो। हीरो राइड फेस्ट का जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम मैंने जो पढ़ा उसमें लिखा था कि हेलमेट, हैंडग्लोव, जैकेट और आपका लाइसेंस कंपलसरी है, तो वो सब आपको कैरी करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ गाइस, मैंने जितना रिसर्च किया उसके हिसाब से अदर स्टेट में जब ये हीरो राइड फेस्ट का इवेंट हुआ था तभी एक्चुअली 3 ट्रैक थे, ऑफ रोड, केयर कट और ड्रैग रेस, ठीक है। तो ये टाइम पे मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे जो मुंबई में अभी हीरो का राइड फेस्ट होने जा रहा है तो उसमें कौन से ट्रैक होने वाले, मुझे पता नहीं है, तो जाके वो देखेंगे। तो हमारे कुछ प्रो राइडर्स है वो तो डोंबिवली से डायरेक्टली आने वाले, कैलाश और सुधीर, बाकी तो हम लोग 4-5 जन तो बाइक से भी जा रहे हैं। ओमकार तो अभी तक उठा नहीं है। हमारे ग्रुप में अगर कोई अनरिस्पॉन्सिबल राइडर होगा तो वो ओमकार होगा। जब भी राइड होता है लेट वही आता है, और लेट तो छोड़ो, एक बार तो स्कीप हो गया था उसका राइड और आज भी वो उठा नहीं है, इसलिए हमारे अभी साथ नहीं है, अभी वो पीछे से आ जाएगा। आपके पास राइडिंग जैकेट नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, तो वो लोग नी गार्ड और एल्बो गार्ड प्रोवाइड करने वाले हैं, बट पता नहीं कि कौन सा ट्रैक के लिए। मैं रिस्क नहीं लिया, हम लोग ने सब ने जिसके पास भी राइडिंग जैकेट है हम लोग ने कैरी किया है, बिकॉज ऐसा ना हो कि ऑफ रोड का ट्रैक मिले और केयर कट में हम लोग को पार्टिसिपेट ना करें क्योंकि जैकेट नहीं है, इसलिए तो हम लोग ने जैकेट कैरी की है। तो गाइज़ यही स्क्रीन पे कहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आती होगी, तो गाइज़ फॉलो करना मत भूलिए, बिकॉज अगर कभी भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आती है तो पहले मेरे इंस्टाग्राम पे अपडेट होता है। लेटेस्ट अपडेट मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आती है। मैंने भी कल ये इसकी जो लिंक है हीरो राइड फेस्ट की जो लिंक है वो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दी थी। तो गाइज़ अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो ज़रूर कर, भी जाके देखेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पे कैसे क्या होने वाला है। आप लोग भीड़ तो देख सकते हो कि कितनी है, और गाइज आपको वहाँ पे लाइसेंस दिखा के आपको एक डिक्लेरेशन मिल जाता है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो सिग्नेचर एंड आपका जो भी है सब फिलअप करना पड़ता है, तो उसके बाद आपको अंदर जाने मिलने वाला है। तो चलो फटाफट फॉर्म फिलअप करेंगे। हमारे ग्रुप का सबसे अनरिस्पॉन्सिबल राइडर ओमकार भाई, देखो कैसे बाल बिल, देखो कैसे आगे ले। तो गाइज जैसे कि मैंने कहा था कि हीरो राइड फेस्ट का जो इवेंट है उसमें आई थिंक सो 3 ट्रैक होने वाले हैं, ऑफ रोड और केयर कट और ड्रैग रेस, तो ठीक है, तो तीनों का भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और गाइस देखो लिखा भी है 3 ट्रैक्स 1 डे, ओके, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो जैसे कि मैंने देखा था, रिसर्च किया था, उसके हिसाब से सही निकला कि आज के दिन में 3 ट्रैक होने वाले हैं, ऑफ रोड, केयर कट और ड्रैग रेस, ठीक है। ये गेम्स रखे हुए हैं, वो देखो उधर भी देख सकते हो, और ये भी है, ये भी है, तो जो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किए वो लोग यहाँ पे मस्ती कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। प्रॉपर डर्ट बाइक की है, प्रॉपर डर्ट बाइक। अभी फर्स्ट टाइम हम लोग का ट्रायल होने वाला है, कैलाश भाई अभी ग्लोव्स पहन रहे हैं।
तो अभी हम लोग का ग्रुप जाने वाला है रेस के लिए। सब लोग गियर अप हो चुके हैं, बस कैलाश को नी गार्ड और एल्बो गार्ड दिए चुके हैं। इसने भी एल्बो गार्ड और नी गार्ड पहन चुका है। बाकी तो हम लोग के पास जैकेट्स है। तो अभी हम लोग का ग्रुप स्टार्ट होने वाला है। अभी ऑफ रोड का ट्रैक चालू होने वाला है हम लोग का। चार जन जाने वाले अभी थोड़ी देर में। आगे ये गिर गया कोई, तो गिर गया। देखिए हाइट देखो, प्रॉपर ऑफ रोडिंग गाड़ी है। गाड़ी की हाइट वेट पूरी ज़्यादा है, मेरे को बैठने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। गाइस मेरी हाइट है ना 5.7 है, बट मेरे फुट रेस्ट नहीं हो रहे। इसकी गाड़ी बहुत हाइट है और मेरे क्रैम्प भी आ गया अभी पैर में। हम लोग का भी जो भी ट्रैक्स थे, तीन ऑफ रोड, केयर कट और ट्रैक रेस, तीनों भी ट्रैक रेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइज क्या हुआ है ना कि जैसे हम लोग ट्रैक रेस में, तो हमारे ग्रुप में एक सर थे, सर यूट्यूब चैनल, सर माय नेम इज चेतन और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सी आर हॉबीज। तो मेरे एक अच्छे फ्रेंड मिले हैं हमें, अरे ये भी एक यूट्यूबर ही है और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, दो अगर यूट्यूबर एक साथ जुड़ जाते हैं ना तो एक ब्रदरहुड क्रिएट होता है। अच्छा। तो एक ब्रदरहुड क्रिएट हुआ है और मैं ऐसा थिंक कर रहा हूँ कि आगे जाके बड़ी राइड है, हम लोग दोनों कंडक्ट करेंगे। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा क्यूट लड़का है। और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करो इनको। अच्छा, और गाइज मैं इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर चैनल की लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ गो और चेकआउट द हियर चैनल। आप लोग इनका चैनल चेकआउट करके जरूर सब्सक्राइब करना। तो इन्होंने मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस बताया, यानी कि देखो राइडर तो राइड करता ही है, पर उसके पीछे सीखने का जो कुछ थिंकिंग्स है वो उन्होंने मुझे बहुत, और टेक्निकली भी बहुत कुछ गाइड किया है कि जैसे धूप में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। यस, डिहाइड्रेशन के लिए। अच्छा, तो टेक्निकली भी बहुत मुझे गाइड किया। और कभी भी एक ध्यान रखो, कोई भी गाड़ी है आपकी 100 cc से लेके 1000 cc तक, एक ध्यान में रखो, कोई गाड़ी का सीसी का मायने नहीं रखता। वो अपने हार्ट और गाड़ी के हार्ट के कनेक्शन के ऊपर होता है और उसके लिए आपका राइड बहुत स्वीट एंड सिंपल जाएगा। ना गाइज देखो, ये हीरो मोटर्स का जो इवेंट था, हीरो मोटो क्रॉप्स का, तो उसमें अभी देखो लकीली हम लोग मिल गए। बट क्या हुआ ना, अभी तो हम लोग मिले पर ये लाइफ टाइम के लिए अभी दोस्ती रहेगी। ठीक है, ये मेरे नजदीक ही रहते, तो बहुत अच्छा लगा। और जल्द से जल्दी राइड देखेंगे हमारे साथ। एक चीज अभी बोल देता हूँ, अभी हम लोग ने जस्ट एक्सट्रीम राइड कंप्लीट किया। okay. और यहाँ पे स्नैक्स का कुछ अरेंजमेंट था, तो ऑलरेडी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में था, हमको लिखा हुआ था कि वो स्नैक्स उसके अंदर इंक्लूडिंग है, मतलब ब्रेकफास्ट राइड लाइक। तो हमने सर से कंडक्ट किया कि ऐसा ऐसा है, तो दे टोल्ड दैट एक्स्ट्रा कुछ तो चार्जेस है। बोलो एक्स्ट्रा तो चार्जेस वी कैन नॉट पे बिकॉज ऑलरेडी इट इज मेंशन दैट इट इज इन फ्री, लाइक ब्रेकफास्ट राइड है तो ऑब्वियसली। तो उनने हमको अरेंज करके दिया है 10 कूपन्स। ओके, हाईली मेंटेन
ना करे तो चलेगा, बट कुछ ना कुछ तो ब्रेकफास्ट में रख देता तो अच्छा हो जाता। बट क्या है ना कि हम लोग ने थोड़ा बहुत बात करके तो उन्होंने हमें कुछ कूपन्स रिक्वायर्ड किए, हम लोग ने ये सबमिट किया है। फिर अभी हम लोग के थोड़ी देर के बाद पिज्जा आएंगे तो खाएंगे, तो देखेंगे अभी जैसे जल्द कभी राइड करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जल्द से जल्द देखेंगे, अभी जैसे टाइम मिलेगा एक राइड तो क्यूट सा राइड करेंगे, क्यूट सा, क्यूट सा, बेबी क्यूट से। गाइस जो हीरो राइड फेस्ट था वो अभी फाइनली ख़त्म हो गया है। हम लोग का जैसे फर्स्ट टाइम हो चुका था तो उसके बाद हम लोग फिर से गए, क्योंकि वहाँ पे सेकेंड चांस भी दे रहे थे, तो हम लोग ने केयर कट का और ऑफ रोडिंग का भी, ऑफ रोड का नहीं, केयर कट का ना, हाँ, तो सेकेंड टाइम भी हम लोग ने चला लिया। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। तो गाइस कैसा लगा, थोड़ा रिव्यू बताओ यार। हीरो अच्छा था, हीरो का थोड़ा, लेकिन अभी क्या हुआ मालूम है, एक्चुअली ये लोग ने क्राउड में अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा बनाया था, लेकिन ऑफ रोड में वो लोग ने ना थोड़ा वाटर क्रॉसिंग वगैरह वो सब रखना चाहिए था, वो थोड़ी उसकी कमी लगी। हाँ, मुझे भी मतलब नॉर्मल ही था, मतलब बोल नहीं सकते कि एकदम प्रॉपर ऑफ रोडिंग था। मारना मांगते थे क्योंकि ट्रैक पे से पब्लिक बहुत जन फिसल रही थी, मैं तो गिर गया, ये तो गिर गया भाई, इतनी धूप थी कि बहुत परेशान हो चुका हूँ। और सबसे लास्ट तो हम लोग ही निकल रहे हैं ऐसे मुझे लग रहा है। गाइज अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करना, क्योंकि अगर ऐसे कोई भी इवेंट्स होते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे लेटेस्ट अपडेट आ जाती है। तो गाइज आज का ब्लॉग बस यही तक था, वीडियो अगर अच्छी लगी तो किसी भी रीज़न से तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज, क्योंकि लोग देखते हैं ब्लॉग बट सब्सक्राइब बटन दबाते नहीं हो यार, सब्सक्राइब करना यार, और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और भाई को